सो सारांश की आलू के पराठे, कौन से पराठे सक्सेसफुल हैं? आपको हमने 30% क्या रिड्यूस करने को बोला था? हेल्दी बनाना था उसको, न्यूट्रिशन मतलब बढ़ाना था, 30% हेल्दियर। 30% फीलिंग भी कम कर दिया आपने। एक माउथफुलनेस रहता है एज ओल्ड फेवरेट में, वो रिटेन होना चाहिए इवन इन अ हेल्दी फूड। फ्लेवर वाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पाइसेस का बैलेंस बहुत अच्छा आ रहा है। सोया एंड ओट्स इज गुड बट इट हैज ओनली कम इन टू आवर कंट्री, सो थोड़ा रीजनल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल। रीजनल इज ऑलवेज गुड, इट्स मोर न्यूट्रिशियस ऑलवेज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फेल की तरफ जा रही है? नहीं तो भी ये टेस्टी तो है। आई थिंक आज पहला दिन है, आज आपको छोड़ देते हैं। वी हैव पास्ड योर डिश बट वी आर एक्सपेक्टिंग मच बेटर फूड। ओनली जस्ट पास्ड सारांश। तो हमने आपको अभी तक तो निकल जाने दिया बिकॉज़ तो मुझे मालूम है मैं तीसरी डिश कौन सी बनाने वाला हूं। नहीं 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 नहीं, आप नहीं बनाने वाले हो, हम बताएंगे कि आप क्या बनाएंगे। अरे आप जरा जाइए किचन में, एक सफेद मिस्ट्री बॉक्स वहाँ पे बैठा है आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसको ले आइए। ये वाकई चैलेंज है, सरप्राइज। ये तो काफी बड़ा मिस्ट्री बॉक्स है। ओह नो, नहीं जी नहीं, ये तो बात सही नहीं है। बटर चिकन पहले चैलेंज वाले दिन, एंड यू बोथ नो दैट आई एम द बटर चिकन किंग। What better than the butter chicken king to improve a butter chicken recipe? Okay. और अब आपके चैलेंज ये है कि आप इसमें क्रीम बिल्कुल नहीं डाल सकते, like not a drop. And the butter, 1 teaspoon. That's all, nothing more. And it should taste as good or better than this. इसमें तो मक्खन ही मक्खन है। चैलेंज। अब बारी है फॉर द बिगेस्ट चैलेंज ये नॉर्थ इंडिया की सबसे फेवरेट डिश, जो रेस्टोरेंट से ढाबे तक सबसे पॉपुलर ऑर्डर है, मगर द अल्टीमेट फेवरेट बटर चिकन में डलता है ढेर सारा क्रीम और बटर। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चिकन को मैरिनेट करना है, सो लेट्स डू दिस। मेरे पास चिकन का टिक्का कट है, इसमें मैं डालूंगा चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट, टंगा हुआ दही मतलब कि हंकर। तो ये तो हो गया जी मैरिनेट। अब चालू करते हैं ग्रेवी। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। खड़े मसाले में सबसे ज्यादा जाएगी दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, लौंग, लहसुन, प्याज, टमाटर। इस ग्रेवी में टमाटर का ही पूरी जान है। टमाटर पकते पकते मैं इसमें डाल रहा हूं सॉल्ट टू टेस्ट, चिली पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। टमाटर सॉफ्ट होने चालू हो गए हैं, मैं थोड़े बहुत तो काजू डाल रहा हूं। इसमें हम डालेंगे कैलिफोर्निया वॉलनट्स, इसमें खूब सारे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और आता है सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया से। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रहा हूं। अब इसको मैं ब्लेंड करूंगा और एकदम फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। चलिए जी प्यूरी डन। सेम पैन में निकाल लेते, हम लोग साइड में रख देंगे, 1 कप दूध डाल के पकाते रहे। जब तक यहां पे हमारी बटर चिकन की ग्रेवी पक रही है, मैं क्या करूंगा, चिकन जो मैरिनेट किया था उसको पका लूंगा जी। चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, बाकी इस ग्रेवी में पक जाएगा। बारी आ गई है लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर माय किलर तड़का।
ये टेक्निक ऑफ यूजिंग कोयला इज एन एज ओल्ड वन, पर क्या ये कोयले का फ्लेवर काफी होगा बटर और क्रीम की कमी पूरा करने में? इनको शायद मालूम नहीं है, ये है मेरा कोयला का कोयला। वेरी सिंपल जी, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी जिसको हमने भूना है, मैं अपने हाथ से इसको अच्छे तरीके से मसल के डाल दूंगा। अब ले आते हैं कटोरी और कोयला गोयला तैयार हो गया है। इसको रखा कटोरी में, एक चम्मच मक्खन, दैट्स इट। अब आएगा धुआं। ओए होए, क्या बात है। अब बिना मक्खन वाला, बिना क्रीम वाला बटर चिकन किंग का बटर चिकन पूरे नेबरहुड में ऐसी खुशबू फैल जाएगी। इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको अब हम प्लेट करेंगे। और मुझे एक चम्मच बटर की इजाजत दी थी, तो मैं अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूंगा। लीजिए, हो गया। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी क्रश कसूरी मेथी फॉर गार्निश। अब तो इसका फ्यूचर जजेस डिसाइड करेंगे। बटर चिकन किंग ने हेल्दी बटर चिकन बनाया है। लेट्स सी कि आज भी कोयला बटर चिकन उतना ही अच्छा है या नहीं। क्या सारांश का बटर चिकन जजेस को लुभाएगा? अब आएगा असली मजा। मैं काफी वैसे अनहैप्पी था दोनों जजेस से जब उन्होंने मुझे बटर चिकन का कंपटीशन दिया था पहले ही चैलेंज में। नाउ आई रियलाइज कि आपने क्यों किया मेरे साथ ये। आई हैड टू वर्क रियली हार्ड। वी विल जस्ट हैव टू ट्राई इट। ओके देन। बटर चिकन विद वेरी लेस बटर। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट टेस्ट लाइक बटर। शेफ सारांश ने बनाया है अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्जन ऑफ हेल्दी बटर चिकन। उन्होंने ऐड किया है चिकन में लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, हंग कर्ड और अच्छे से मिलाकर मैरिनेट कर लिया। फिर एक पैन में तेल गरम किया और उसमें दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, लौंग, लहसुन और प्याज डालकर अच्छी तरह भून लिया। फिर शेफ ने उसमें टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काजू, अखरोट और पानी डालकर अच्छी तरह पकाकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। ग्रेवी में दूध डालकर पकने छोड़ दिया। दूसरे पैन में ऑलिव ऑयल डालकर मैरिनेटेड चिकन को पकाकर ग्रेवी में डाल दिया। फिर भुनी हुई कसूरी मेथी डाल दी। एक कटोरी में कोयले का टुकड़ा रखकर उस पर बटर डाल दिया और पैन ढक दिया। फिर बचे हुए बटर को ग्रेवी में मिला दिया। क्या कम बटर का बटर चिकन जजेस के हार्ट्स और पैलेट्स को जीत पाएगा? बॉस, ये लोग क्या डिसाइड करेंगे बटर चिकन के बारे में? आई एम द बटर चिकन किंग। ये रेसिपी फेल हो ही नहीं सकती। Okay, so taste wise, I think it's a very good attempt. Yeah. I'm impressed. Yeah, it's got the creaminess, it's got the flavor. I think raise the bar again over here, and I like it that there's a lot of nut in this, much better than the unhealthy butter. So let's just congratulate him because it's an incredible attempt. Really? Yeah. So judges, aapki challenge thi butter chicken with no cream and 1 teaspoon butter max. तो हम अपना रिजल्ट दें या आप ही बोलेंगे? रिजल्ट तो आप ही लोग दोगे। तो आप फ्लाइंग कलर से पास हो गए हो। अगर मैं बटर चिकन में पास नहीं होता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। मम्मी घर नहीं आने देती? नहीं नहीं नहीं, नहीं आने देती मम्मी घर। या आपने एज ओल्ड फेवरेट को रिटेन करके खाली बटर निकाल दिया तो भी वैसा का वैसा। आई एम ग्लैड। ओह, तो काफ़ी रिलीव्ड फील कर रहा हूँ। बटर चिकन की जो टेंशन थी, बाप रे बाप। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है चैलेंज की। दिस वॉज द फर्स्ट डे एंड अब मुझे पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है इंडिया की फेवरेट्स को हेल्दी बनाना। बट देन मैंने ठान लिया है कि उनको बनाऊंगा हेल्दियर।